हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। चलिए बात करते हैं लेखपाल की भर्ती को लेकर। तो जो आपने थंबनेल देखा वो पूरी तरीके से सही तो नहीं है, ये आपको ही बताएं, मुझे ही बताएं। लेकिन जरा रुक जाइए एक सेकेंड। यहाँ पे बात ये नहीं है कि वो चीज़ सही है नहीं। मैं इतने दिनों से भाई देख रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ इस चीज़ से। UP SSC पैट का रिजल्ट क्या आया, सब भाई अपने हिसाब से 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 2.5 गुना बच्चे बुलाएंगे, 25 गुना बच्चे बुलाएंगे, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे ये तो मुझे नहीं पता। और ये सच बताऊँ तो रियलिटी में ये चीज़ अभी किसी को भी नहीं पता, जब तक कि कोई कॉरिजेंडम या अधिसूचना जारी नहीं कर देता UP SSC अपनी तरफ से। तब तक सब अपने हिसाब से भाई लेखपाल में बुलाए जाएंगे 2.5 लाख बच्चे। नहीं, तुम्हारे चाचा ही रिजल्ट घोषित कर रहे हैं ना, तो तुम्हें पता है 2.5 लाख बच्चे। अब ज़्यादा उछलो मत, जो चीज़ जब आएगी तब ना जाके पता चलेगा लेखपाल में बुलाया जाएगा 60%, 70%, 80%। भैया यार, जब जो चीज़ होगी तब ना। और आप लोग भी इतने महान इंसान है भाई, हाल किसी की बात में माने जा रहे हो, माने जा भाई। जहाँ देख रहा हूँ बस पैट का धनाधन धनाधन। वो चीज़ इसलिए नहीं, वो चीज़ केवल इसलिए है कि उनका जो लेखपाल के बैचेस है ना, मैं बताता हूँ भाई, देखो क्या चीज़ होती है। हर चीज़ के पीछे एक स्ट्रेटजी रहती है, लेखपाल के जो बैच है ना वो बिकना शुरू हो जाए, बस इस वजह से आपको गुमराह किया जाता है। कोई कहेगा इतने परसेंट पे, कोई इतने पे, भाई मैं नहीं मानता। लेकिन जब अधिशासन कि शासन की तरफ से कोई अधिसूचना जारी कर दी जाए, कॉरिजेंडम निकाल दिया जाए, तब ना आप मानिए। सब अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा रहे हैं, 60% वाला है, 60/100, 2.5 लाख बुलाया जाएगा। अरे हद हो गई भाई, कहाँ निकला ऐसा। तो यार हर किसी की बात मत मानिए। और हाँ, लेखपाल का जो है अधियाचन हो चुका है, मतलब शासन ने कह दिया है कि लेखपाल में जितनी भी वैकेंसियाँ जो हैं रिक्त पड़ी हुई हैं, सारे के सारे डिपार्टमेंट से उनका ब्यौरा निकाला जाए और जल्द ही वो आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। और जैसे ही वो वैकेंसी आएगी उसमें लिखा होगा कितने परसेंट वालों को बुलाया जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं क्या कैसा होता है, ये देखने वाली बात है, ये थोड़ी ना है। कई सारी कट ऑफ्स बनेंगी, जनरल है, OBC है, EWS है, SC ST है, तो ये सब चीज़ें आप मैनेज करिए, इसके हिसाब से चलिए ना। ऐसे किसी की बात को भी ऐसे नहीं माना जा सकता, जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी उसके अनुसार ही ये वर्क होगा। अभी एग्ज़ाम जो है लेखपाल का आने में टाइम है, अभी देखा जाएगा क्या उसमें निकलती है, उसके बाद ही पता चलेगा। हाँ, 1 साल के लिए अब आप लोग कह रहे हैं वैलिड है, वैलिड ये भी अभी कहीं नहीं निकला यार। एग्ज़ाम 6 महीने में होगा या 1 साल में होगा ये भी कहीं नहीं बताया कि 6 महीने में एग्ज़ाम कराएंगे, 1 साल में कराएंगे दोबारा PET। तो बहुत सारे अभी क्वेश्चन है, जल्दी पल्दी में रिजल्ट निकाल दिया है, रिजल्ट जो है बहुत जल्दी में निकाल दिया गया है। आप लोगों को भी पता है क्यों, मुझे भी, लेकिन मैं इस पर कोई बोलना नहीं चाहूँगा। हाँ, लेकिन देखने वाली बात रहती है। हाँ, अभी UP कांस्टेबल की भर्तियों की बात भी हुई थी, तो UP कांस्टेबल की भर्तियाँ आपको जल्दी देखने को मिलने वाली हैं UP की तरफ से। और UPSI के एग्ज़ाम की भी बात कर लेते हैं, मैं अलग अलग वीडियोस नहीं बना सकता, इतनी ज़्यादा इतना टाइम नहीं है, इसी में सारी बता देता हूँ। UPSI के एग्ज़ाम की डेट जो है 12 नवंबर कहा गया है शासन की तरफ से, लेकिन देखने वाली बात है, जहाँ तक है मुश्किल है करा पाएँ एग्ज़ाम। और अगर कराते भी हैं तो 1 मंथ लग जाएगा एग्ज़ाम में। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं UPSI की, अच्छे से करें, मन लगा के पढ़ने भी टाइम है। और अभी तो ये नंबर ना माने के इतने परसेंट उतने परसेंट, भाई पागल हो जाओगे आप। यूट्यूब पे सर्च करोगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ। जैसे ही अधिशासन की तरफ से आ जाता है कोई सूचना, तब आप उसे पुख्ता माने। जय हिंद, जय भारत।